हेलो गाइस, एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो अभी हम लोग एक दूसरा बीच में जा रहे हैं, तो एक्चुअली हम लोग आज अपना प्रसाद चुप रखा, लेकिन हमको पुलिस ने दिखा लिया, उस वजह से हम लोग पिछड़ गया। बहुत मुश्किल से फॉलो कर पा रहे हैं, अभी यहाँ से आगे जाना है। तो चलिए, मैं आपको आज गोवा का दिखा दूँ। गोवा में स्कूटी चला के काफी मजा लग रहा है, लेकिन रिस्की बहुत रहा है। फिलहाल यहाँ थोड़ा रास्ता बड़ा है हाईवे, इसलिए फोन तो हाथ में लेके बना रहे, अदरवाइज बहुत बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ। तो अभी हम दोनों आते दिनों ढूंढते हुए यहाँ आ गया अभी, लेकिन हम दोनों शायद वो लोग जहाँ आए वहाँ सही जगह में नहीं पहुँचा। तो हम दोनों यहाँ से क्या आया, रास्ता काफ़ी छोटा था, तो वो लोग कहीं ये बीच में दिखा रहे, लेकिन ये बीच में ना कुछ भी नहीं है, तो शायद वहाँ कहीं होता होगा, लेकिन यहाँ तरफ कोई भी ऐसा ना वैसा नजर नहीं आ रहा है। लोग जहाँ हैं वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो अभी हम यहाँ से पता नहीं ऐसे ही विजिट प्लेस में दिखाया, तो यहाँ से 15 मिनट का दूरी पे कुछ दिखा रहा है, तो अभी वहाँ तक जाते हैं। अभी हम दोनों चल दिया ईसा मेरिन की तरफ लंच करके, बहुत गर्म है इसलिए हवा खाते हुए चल के चलने में बहुत मज़ा है। बहुत साइड है यहाँ से, लेफ्ट है ना, क्या लेफ्ट ना, तो हम यहाँ ईसा पैलेस ईसा मेरिन पहुँच गया। यहाँ से काफ़ी मुश्किल से रास्ता मालूम चला है, तो ईसा पैलेस है यहाँ। तो यहाँ में ईसा मेरिन में पहुँच के अभी स्कूटी यहाँ बाहर पार्क कर दे, इसके बाद अभी यहाँ से घूम के फिर हम डायरेक्ट रूम की तरफ निकलेगा, जो कि शरीफ करीब करीब 40 से 50 किलोमीटर ना, शायद 50 से ज़्यादा ही होता होगा। तो उसके बाद हम लोग फिर शाम के लिए जाके रेडी करना है, तो जाके रूम में जाके नहा धो के फिर रेडी हो के हम लोग फिर जहाँ परफॉर्मेंस होगा वहाँ जाना है। तो अभी क्योंकि यहाँ गोवा का एक पुलिस ने हम लोग आज का मज़ा किरकिरा कर दिया, हम लोग साथ में जा के वहाँ बीच में जाने वाला था, तो पुलिस ने हमको रुका दिया इस वजह से,
हम लोग अलग हो गए, तो यहाँ मैं पीछे के साथ कर पाना भी मुश्किल होता है। रास्ता इतना, पहली बात तो हम लोगों को यहाँ का जगह का नाम पता नहीं है, इस वजह से कन्फ्यूज़न होता है। इसके बाद दूसरा रीज़न जो है कि यहाँ हर 500-600 मीटर में चार नाली आ जाता है, तो इस वजह से हम पीछे रह गया। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि सब मेरी कैसे है। तो हमको ये जगह जो गूगल मैप पर थ्रू से पता चला है, तो ये भी शायद गोवा का एक प्लेस है जहाँ टूरिस्ट विजिट करते हैं, तो इसलिए हमें मैप पे मिल गई ये जगह। तो अंदर देखते हैं क्या क्या देखने के लिए मिलता है। फिलहाल यहाँ इतना गर्मी है, इस वजह से यहाँ पे छाप बैठा है, इसलिए बहुत सकून मिल रहा है। यहाँ से नज़ारा ठीक ठाक एक्चुअली नज़ारा है यहाँ से। यहाँ का जो घर है कुछ बहुत ज़्यादा पुराना लगता है। सो ये ईसा मरीन, हाँ ईसा मरीन जो है हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है लगता है, क्योंकि नीचे में हनुमान का एक भरा सा भूत था। मेरा मुँह में मिठाई रखने होने की वजह से बोलने में दिक्कत आ रही है। तो ये पूरा नज़ारा तो एक पुलिस का वजह से हम लोग मज़ा तो किरकिरा हो गया, जहाँ जिस बीच में जाना था वहाँ नहीं पहुँच पाया, पर चलो एटलीस्ट हनुमान का मंदिर का दर्शन मिला है हमें, जो कि शायद थोड़ा बहुत माना जाना है लगता है जिस तरह से ये बिल्डिंग बना है इस तरह से। तो वो जो गेट सब जो नहीं खुला था, वो जो शाम को चार बजे के बाद खुलेगा बोला, तो हम लोग पास इतना टाइम नहीं है, बाकी हम लोग डायरेक्ट निकालना होगा। तो अभी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से फिर पहले तो हम लोग अपना रूम का लोकेशन टाइप करना पड़ेगा, तभी जाके पहुँच पाएगा, वरना फिर घूमते रह जाएगा, क्योंकि यहाँ रास्ता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इसीलिए तो आप भी निकलते हैं डायरेक्ट रूम की ओर, पहले रूम जाके फ्रेश अप करेगा, नहा धो के फिर शाम के लिए प्रिपेयर करके निकल जाएगा। तो हम लोग का होटल यहाँ से बहुत दूर है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। अभी हम लोग यहाँ में, इसके बाद हम लोग को जाना है यहाँ से पानी पर के यहाँ जाना है। सो काफ़ी दूर है,
चलो अब जाके डायरेक्ट नहा धो के रेडी हो जाते हैं।